बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं दिखाने वाला हूँ कि अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से कैसे लिंक करें, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। और चेक करने वाला वीडियो मैंने डाल रखा है, तो जो बंदे अपना चेक नहीं किए हैं कि लिंक है या नहीं, वो चेक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो देखिए, सबसे पहले क्रोम में आना है, तो क्रोम में डालना है आप लोगों को इनकम टैक्स, और इसमें सेकेंड नंबर पर आएगा होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसमें जाना है। तो देखिए, इनकम टैक्स होम पे आने के बाद क्विक लिंक पे जाना है, उस पर नीचे आना है क्विक लिंक पे। और यहाँ पे अगर आपको चेक करना है आधार लिंक है, पैन पेन लिंक है कि नहीं, तो पहले वाले ऑप्शन पे डालेंगे लिंक आधार स्टेटस पे डालेंगे। तो चलिए डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, पहला है लिंक आधार स्टेटस, इस पर डाल के देखेंगे। तो देखिए, आप लोगों को चेक करके दिखा रहा हूँ कि लिंक पैन कार्ड से आधार कार्ड है कि नहीं, इस पर चेक करना है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को पैन नंबर डालना है इसमें, उसके नीचे आप लोगों को आधार नंबर डालना है, और फिर एक ब्लू हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं लिंक है या नहीं आपका पैन कार्ड से आधार कार्ड। तो देखिए, ये दिखा रहा है लिंक नहीं इनका, इनका हम लिंक करके दिखाएंगे। तो ब्लू दिखा रहा दिख रहा है, इस पर क्लिक करके हम लिंक करेंगे इनका आधार कार्ड पैन कार्ड से। तो आइए फिर होम पे चलते हैं, और होम पे चल के फिर दिखा दें कि कहाँ से लिंक करेंगे हम पैन कार्ड से आधार कार्ड। तो देखिए, हम आ गए होम पे क्विक लिंक। तो देखिए, यहाँ पे लिंक आधार पे जाएंगे। ये देखिए, फोन हो गया यहाँ पे लिंक आधार, उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे पैन नंबर और आधार नंबर डालेंगे अपना। और ये आप लोगों को एक चीज मार्क के पहले कर लेना है, नहीं तो फिर ये 1000 की जगह 5000 चार्ज हो जाएगा इनकम टैक्स का। यहाँ पे पैन नंबर आधार नंबर डालेंगे। देखिए, यहाँ पे अपना पैन नंबर और नीचे अपना आधार नंबर डालना है, और डालने के बाद यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। उसके बाद ब्लू होने के बाद यहाँ क्लिक करना है। चलिए, आप लोगों को पैन कार्ड और आधार नंबर डाल के दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो NRI हैं उनको ये चार्ज नहीं लगेगा इनकम टैक्स। तो देखिए, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर वाले हैं, सिक्किम वाले हैं, उनको ये चार्ज नहीं देना पड़ेगा 1000 रुपये का, उनके लिए फ्री है। इसके अलावा अन्य राज्य वालों को ये चार्ज 1000 रुपये देना पड़ेगा जिनका लिंक नहीं है पैन कार्ड से आधार कार्ड। तो आइए चलते हैं और इसको डाल के दिखाते हैं कैसे लिंक करेंगे पैन नंबर डाल के, उसके बाद आधार नंबर डालेंगे अपना। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे ये ब्लू हो गया, इसको ओके करेंगे। तो ये देखिए, पूछ रहा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहेंगे। पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पे। देखिए, यहाँ पे ये दोबारा अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा आपको, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, दोनों में पैन कार्ड ही डालना है आपको। पैन कार्ड डालने के बाद नीचे अपना मोबाइल नंबर डालना है, इस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP को डालना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को पैन कार्ड नंबर डाल के दिखाता हूँ इसमें, और मोबाइल नंबर। ये दोनों डाल दिया मैंने, मोबाइल नंबर पैन नंबर, ओके कर दिया। अब यहाँ पे OTP आएगा आपके मोबाइल पे, वो डालना है। वो डालने के बाद अगर वो डालने के बाद हम फिर क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे।
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखिए पेमेंट दिखा देगा आप लोगों की, 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा आपको। और यहाँ क्लिक करना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों को तीन ऑप्शन दिखेगा, जो यहाँ पे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तीन ऑप्शन में से आप लोगों को सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, जो आप लोगों को दिख रहा है इनकम चेक, इस पर क्लिक करना है। हाँ, यहाँ पे क्लिक करना है आप लोगों को। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग पूछेगा कौन सा ईयर डालना है आपको, तो आप लोग 2024 डालना है ईयर में, 2024 डालने के बाद नीचे आना है आप लोगों को। नीचे आने के बाद इनकम टैक्स, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को सेकेंड ऑप्शन डालना है अदर 500, ये वाला ऑप्शन डालना है आप लोगों को और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद नीचे आना आप लोगों को और यहाँ पे देखिए 1000 रुपये लिखा हुआ है, ये 1000 रुपये लिखा हुआ है आप लोगों का, तो 1000 रुपये लिखा हुआ कंटिन्यू करेंगे इसे। कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों को बैंक का ऑप्शन आ जाएगा नेट बैंकिंग का, तो अगर आप नेट बैंकिंग करना तो नेट बैंकिंग कर सकते हैं, या आप लोग अपने एटीएम कार्ड से भी कर सकते हैं। तो ये 5 ऑप्शन है आप लोगों के नेट बैंकिंग के, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, पंजाब बैंक है, इसके अलावा नीचे अदर भी है, तो आप लोग इसे कोई बैंक का ATM है तो उससे कर सकते हैं पेमेंट। तो आइए पेमेंट करके दिखाते हैं हम इस पर, हमारे पास ICICI बैंक का ATM कार्ड है तो इससे करेंगे। ICICI क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद पे अमाउंट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ओके कर देंगे, फिर यहाँ नीचे आएगा सबमिट करने का ऑप्शन, यहाँ पे पेमेंट करने का, यहाँ क्लिक करेंगे आप लोगों को बॉक्स में और फिर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे आगे पे नाउ पे। पे नाउ ऑप्शन करने के बाद ये देखिए हमारे बैंक आ गया ICICI बैंक। यहाँ पे दिखा देगा कि आपको 1000 रुपये कटने वाले हैं, तो उसके बाद ये कंटिन्यू करना है। इसके बाद कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों को अपना तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। वो डालने के बाद आप लोग यहाँ पे अपना ATM कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CCV डालना है और डालने के बाद पेमेंट कर देना है। और इसके पेमेंट करने के बाद आपको 24 घंटे बाद ऑप्शन आएगा फिर चेक करने के लिए कि ये लिंक हो गया है या नहीं, तो आप 24 घंटे बाद फिर दोबारा चेक करते हैं कि इसको डाल के। देखिए मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, होम पे आना है इनकम टैक्स में और यहाँ पे डालना है आप लोगों को लिंक का आधार पे डालना है जाना है और यहाँ पे अपना आधार पैन कार्ड नंबर डाल के और चेक करना है लिंक हमारा हो गया कि नहीं हो गया। और एडी के लिंक हो गया हमारा, तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, सबके लिए धन्यवाद।